इंडियन टीम का बांग्लादेश दौरा 2022 का 6 दिसंबर से शुरू होगा और 26 दिसंबर को ख़त्म होगा, जिसमें 3 वनडे खेले जाएंगे और 2 टेस्ट के मुकाबले खेले जाएंगे। लेकिन इंडियन टीम को उससे पहले ही झटका लग चुका है। झटका ये है कि रविंद्र जडेजा वो मिस करेंगे पूरी सीरीज़ बांग्लादेश के दौरे वाली, और अभी तक उनकी इंजरी ठीक नहीं हुई है, यानी कि रिकवर नहीं कर पाएंगे। उनके इंजरी की बात अगर हम करें तो दुबई में एशिया कप जो खेला जा रहा था, जिसमें भारतीय टीम फाइनल तक नहीं पहुंच पाई थी अनफॉर्चुनेटली, उसमें जो हांगकांग का मुकाबला हुआ था, इंडिया वर्सेज हांगकांग का मुकाबला, आखिरी मुकाबला खेला था रविंद्र जडेजा ने अपना एशिया कप का, और उसके बाद ही उनको इंजरी हो गई थी। जो टीम की फ़न एक्टिविटीज़ होती हैं उसके दौरान कुछ फ़न एक्टिविटी करते हुए रविंद्र जडेजा के घुटने पर चोट लग गई थी, और उम्मीद तो यही जताई जा रही थी कि 6 महीने उनको रिकवरी टाइम दिया गया था रिहैब करने का, और उस तब तक वो ठीक हो गए तो ठीक है, नहीं तो रविंद्र जडेजा के अभी तक रिकवरी नहीं हो पाई है। और तो और जब उनका स्क्वाड में नाम दिया गया था बांग्लादेश के खिलाफ, उनका स्क्वाड में चयन हुआ था, लेकिन उनके नाम के आगे स्टार था। स्टार का मतलब यह है कि सब्जेक्ट टू फिटनेस, अगर रविंद्र जडेजा फिट होते हैं तभी वो पूरी तरीके से वो शामिल हो पाएंगे स्क्वाड में और खेल पाएंगे, नहीं तो नहीं खेल पाएंगे। और तो और सब्जेक्ट टू फिटनेस का ये भी मतलब ये होता है साफ साफ कि आपको आपके अगर चोट ठीक हो गई या पूरी तरीके से रिकवर हो गई, आपकी चोट रिकवर हो गई, तो आपको NCA जाना पड़ेगा, वहाँ पर आपका फिटनेस टेस्ट होगा, उसके बाद ही आप स्क्वाड में शामिल हो सकते हैं और तो और तब आप टीम के साथ खेल सकते हैं। अब BCCI ने 2 रिप्लेसमेंट अनाउंस किए हैं, दावेदारी में रिप्लेसमेंट अनाउंस किए कि ये दोनों हो सकते हैं। एक होगा शाहबाज अहमद, हो सकता है शाहबाज अहमद, और दूसरे हो सकते हैं सूर्य कुमार यादव। अब सूर्य कुमार यादव तो पूरे रूप से बल्लेबाज हैं, लेकिन शाहबाज अहमद लेफ्ट आर्म स्पिनर भी हैं, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर, और साथ साथ बल्लेबाजी भी करना जानते हैं। आरसीबी में उन्होंने जिस तरीके का परफॉर्मेंस किया गेंदबाजी से भी और बल्लेबाजी से भी, वो सब अपना नमूना वो पेश कर चुके हैं, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में भी बहुत बढ़िया गेंदबाजी और बल्लेबाजी करके आ चुके हैं। अब शाहबाज अहमद मुझे लगता है अपने ओपिनियन से कि बेस्ट दावेदारी है रविंद्र जडेजा के, क्योंकि एक तो लेफ्ट आर्म स्पिनर और ऊपर से बेहतरीन बल्लेबाजी कर लेते हैं, तो एक ऑलराउंडर की ज़रूरत है। रविंद्र जडेजा भी ऑलराउंडर हैं और अब उनका रिप्लेसमेंट भी एक ऑलराउंडर ही होना चाहिए। एशिया कप के बाद रविंद्र जडेजा ने T20 वर्ल्ड कप मिस करा इंजरी के चलते। जो ऑस्ट्रेलिया इंडियन टीम के टूर पर आई थी, इंडिया के टूर पर आई थी, 3 मैचों का जो T20 सीरीज़ थी वो भी मिस करा रविंद्र जडेजा ने। तब के लिए अक्षर पटेल को रिप्लेसमेंट अनाउंस किया गया था। साउथ अफ्रीका आई थी 3 T20 मुकाबले खेलने के लिए, तब भी रविंद्र जडेजा ने वो टूर मिस किया था इंजरी के चलते, तब तक रिकवर नहीं हुए थे। अक्षर पटेल आए थे उनकी रिप्लेसमेंट के लिए, T20 वर्ल्ड कप में भी अक्षर पटेल थे, लेकिन अक्षर पटेल ने अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से कोई खास दावेदारी पेश करी नहीं थी तब भी। अब शाहबाज अहमद हो सकता है उनके रिप्लेसमेंट बने, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है कि शाहबाज अहमद होंगे या सूर्य कुमार यादव होंगे, और जैसे ही अपडेट आएगा हम फिर से आपको उस चीज़ के बारे में ज़रूर अपडेट देंगे। लेकिन रविंद्र जडेजा की जो इंजरी है वो 6 महीने से ज़्यादा टाइम ले रही है रिकवर होने के। अब इसके पीछे उनका अब वो जो फिजियोज हैं वो ही जाने, लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि रविंद्र जडेजा मिस करेंगे बांग्लादेश का दौरा, जिनमें उनका नाम आया था, लेकिन स्टार था यानी सब्जेक्ट टू फिटनेस था। उम्मीद तो यही है कि रविंद्र जडेजा जल्दी से जल्दी ठीक हों और आने वाले दौरे, यानी कि अब जब 2023 के जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की साइकिल है उसमें ऑस्ट्रेलिया आएगी इंडिया खेलने के लिए, जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी होती है, तब तक जसप्रीत बुमराह भी उम्मीद है ठीक हो जाए, तब तक रविंद्र जडेजा की भी उम्मीद यही जताई जाएगी कि ठीक हो जाए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट सीरीज़ है और सीनियर प्लेयर्स पार्ट होने चाहिए उस सीरीज़ के, तो ये बड़ी चीज़ थी। अब यही देखना होगा कि क्या शाहबाज अहमद रविंद्र जडेजा को रिप्लेस करते, क्योंकि मौका मिलना चाहिए शाहबाज अहमद को। शाहबाज अहमद अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं डोमेस्टिक सर्किट में भी, और तो और IPL में भी बढ़िया परफॉर्मेंस करा था उन्होंने, और जब तक आप आजमाएंगे नहीं नए प्लेयर्स को, तब तक वो अपनी दावेदारी पूरी तरीके से पेश नहीं कर पाएंगे। अब आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि कौन बेस्ट रिप्लेसमेंट होना चाहिए, क्या सूर्य कुमार यादव क्या शाहबाज अहमद? मेरी तरफ से शाहबाज अहमद होने चाहिए, क्योंकि दोनों का यानी रविंद्र जडेजा का और शाहबाज अहमद का रोल सेम ही है, दोनों लेफ्ट आर्म बॉलर्स हैं, स्लो ऑर्थोडॉक्स लेफ्ट आर्म बॉलर्स, और दोनों बल्लेबाजी भी करना बखूबी जानते हैं। तो मैं इस अपना ओपिनियन ये सामने रखता हूँ, आप भी अपना ओपिनियन रख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो फिलहाल के लिए अभी इस वीडियो में इतना ही।